दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। एक नौजवान लड़की ने दरियाए जहलम में छलांग लगा दी, जबकि और ये हबा कदर इलाके में लड़की ने दरिया में जो छलांग लगाई है, खुद को उसने खत्म करने की कोशिश की है। पुलिस मकामी और NDRF की टीमें लगातार जहलम में रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दे रही है। और बैकअप एक्साइज ने पुलिस टीम के तावुन से SDPO जादबल की जेर निगरानी और SHO अहमद नगर की क्यादत में जिला गादरबल के ओबर हेर इलाके से रूह तक बंक की काश्त को तबाह किया है। पुलिस और महकमा एक्साइज ने ममनुआ फसलों के खिलाफ अपनी मुहिम में इन इलाकों में वसी रकबे पर फैली बंक की काश्त को तबाह कर दिया है और पुलिस हुकाम के मुताबिक माशरे से इस लानत के खात्मे के लिए मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। इसके अलावा इस ममनुआ फसल की काश्त में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गादरबल के लोगों ने पुलिस की इस कोशिश को काफ़ी सराहा है और जो ये कोशिश की जा रही है कि बंक यानी जिसे हम भांग भी कहते हैं, तो भांग की इन तमाम जो फसलें हैं ये इसी तरह तबाह की जानी चाहिए ताकि जो एक मंशियात को लेकर एक जो रुझान है उसमें कमी लाई जा सके। हमें बेसिकली काफ़ी टाइम से इनपुट्स मिल रहे थे कि डगपोरा एरिया में वाइल्ड भांग चढ़ी हुई है ज़मीनों पर, तो उससे छोटे बच्चों के ख़राब होने के एहतमाल का एहतमाल है। उस चीज़ को देखते हुए हमने आज एक्साइज डिपार्टमेंट की इश्तराक से यहाँ एक बंग डिस्ट्रक्शन ड्राइव लॉन्च किया, तो काफ़ी ज़मीन का हमने ये ख़राब कर दिया, इसको उजाड़ दिया और हमारा ये अभियान जारी है। इनफैक्ट हमारा ये काम जो सोशल क्राइम्स के हवाले से, हम इसमें अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के अलावा भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक कदम आगे चल रहे हैं।